Nowadays, you are famous as a strip queen. What is your pay on this title? I love the title. Actually. Why? I really enjoy the title. Mm-hmm. Really nice. Mm-hmm. And I love when people call me strip queen or they call me bold, they call me whatever. Mm-hmm. I enjoy all kind of titles or everything. For me, there is nothing negative or nothing positive. Everything is good for me. I can say that. You have emerged as a brand ambassador of nudity in India. Pardon? You have emerged as a brand ambassador of nudity. Mm-hmm. And people think that you are endorsing nudity, and if stripping is become acceptance in our society, all credit goes to you. What do you think? Mm-hmm. Hello? Hello? Yeah, Mr. Yes. Are you getting my question? Yeah. I'm getting. Tell me. You are now the brand ambassador of nudity in India. The stripping is become acceptance in our society. What is your thing? What is your call that's on this? That's good. Absolutely fine. Because for me, if you will ask me, if they scratch their blah blah blah, mm-hmm. I won't use the word. Nobody really cares about it. But if a girl do something, everyone cares and everyone point out ki yaar ladki ne kar diya. So it should not be like this, you know. Ek ladki aur ek ladki ko hamesha equal respect milna chahiye. Right. And mera ye bolne ka ye matlab nahi ki ye stripping aur ye nudity aa rahi hai iska matlab ladkiyon ko ekdam be sharam hona chahiye, bilkul nahi. ये चीज दिखा रही है कि जनरेशन जो है अभी की डिफरेंट जनरेशन ग्रो हो रही है. इट्स नॉट लाइक द ओल्डन डेज जैसे पहले लड़कियां थी, अभी वैसा बिल्कुल नहीं है. चीजें काफी बदल गई है और मेरे ख्याल से और बदले भी आज. ओके, डू यू फील एनी हीट फ्रॉम सनी लियोन बिकॉज शी हैज इमर्ज्ड एज योर की राइवल्स टुडे? No, not at all. I mean, I'm not running here. मैं यहाँ कोई घोड़ों बदल गधों की रेस में भाग नहीं रही हूँ जहाँ पे सारी लड़कियाँ भागती हैं, यू नो, कि कौन हाथ ऊपर करे, कौन आगे जाए. मैंने शुरुआत से ही अपना रास्ता बनाया है एंड मैं बहुत ही चिल, आई एम गोइंग ऑन माई पाथ, आई एम वॉकिंग. तो मैं यहाँ पे ना किसी के उसमें मैं ना टांग बढ़ाती हूँ ना मुझमें कोई आता है. सो आई एम डूइंग माई ओन जॉब एंड आई नो मेरे ऑडियंस को क्या पसंद है. क्या पूनम जी, आप जो है आपके पास तो कोई फिल्म तो है नहीं, कोई नहीं इस तरह का सब्सटेंशियल वर्क है, आप मॉडलिंग कर रही हैं, इसके बाद भी आप हेडलाइंस के हेडलाइंस बनाए जा रही हैं, इसके पीछे क्या आइडिया है आपका? जो अटेंशन ग्रैब करना. वेल, आइडिया तो आप मतलब वेल, हाँ ये बात आपने बहुत सही कही कि बिना कुछ करे भी फेमस रहना एक इसमें भी एक अलग मजा है. लेकिन फिलहाल तो वैसे मैं मूवी कर रही हूँ, मेरी ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी है और अभी शूट भी चालू होने वाली है, तो होपफुली लोग बहुत जल्द देखेंगे. और रही मेरे आइडियाज, रही मेरे आइडियाज की बात, तो ऐसी कोई मतलब है स्ट्रैटेजी मेरे पीछे, मतलब ऑलमोस्ट काफी लोग काम कर रहे हैं. आई हैव अ गुड बिग टीम इज वर्किंग फॉर मी. ओके, सो इट गोज गुड. या आप तो उस मूवी का नाम बताएंगे या किस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रही हैं, बताना चाहेंगी? हाँ, मैं मूवी का नाम तो नहीं बता सकती क्योंकि वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बाहर आएंगी. मैं डायरेक्टर के बारे में हाँ मैं बता सकती हूँ. ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने जिसम वन डायरेक्ट की थी. लेकिन पूनम जी, अमित सक्सेना बदल जो क्लेम एज मेयर र्यूमर that he is working with you. Pardon? Amit Saxena, the Jisoo mm-hmm. film director, rubbish your claim as mere rumor that you are working with him a bold film. Well, yeah, we are working together.
वैसे मैंने आई हर्ड क्वाइट लॉट ऑफ न्यूज दैट मोस्टली इज अ लायर और लायर झूठ बोलती रहती है यू नो. मैंने बहुत जगह इंटरनेट से न्यूज पढ़ी कि पता नहीं मैंने झूठ कब बोला, मुझे खुद ही नहीं पता. और एनीवेज बाकी तो आई मुझे तो हर टाइप की न्यूज वेदर इज नेगेटिव वेदर इज पॉजिटिव डजंट अफेक्ट मी एट ऑल. आई एंजॉय एवरीथिंग. सो मूवी तो मैं कर रही हूँ. इफ यू विल आस्क मी पर्सनली तो आई विल से यस आई एम वेरी मच डूइंग द फिल्म एंड ही इज द ही इज डायरेक्टिंग माय मूवी. और बाकी तो न्यूज हर आती रहे. बट एक्चुअली डायरेक्टर हिमसेल्फ इज डिनाइंग दिस न्यूज ना. No, that's not true. जो मतलब हर जगह मतलब the news which is coming out कि he denied and he said blah 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 or this news which are coming out, I don't know is it's a rumor or I don't know what. लेकिन मेरी तो ये सब workshops चल रही है. Everything is going fair enough. So I don't know कि लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं और ये rumors आई कहाँ से मुझे नहीं पता. So you promise you will outclass all your rivals in your first movie? Pardon? So you promise your fans that you will outclass Sunny Leone, Rakhi Sawant, Pauli Dan in boldness in your forthcoming flick? See. Your good name? Amit. Amit. See, Amit. As I told you before, I am not here to compete with somebody, nor with Rati, with Sunny, with Pauli or with anyone. Nor I think someone can compete with me. I am doing my own work and I know what to serve my audience, what they will like. Okay. So, let me do my own job and please, I really don't want to connect with anyone. Because this industry is quite big enough and everyone has their own place. So, there is nothing to compare or... complete with.